माइनस ऑफ माइनस ई टू द पावर जीरो पर अगर आप माइनस ई टू द पावर माइनस के वन एक बार रखा टी दूसरे लिमिट को जीरो तो है, मतलब आप सी की कंसेंट्रेशन निकालोगे के टू। चलो बी के कौन सी टी की वैल्यू अगर आप, और यही इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब एक पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है ए गोज टू बी एंड सी, तो जितना भी ए बी और सी में कन्वर्ट हुआ वो उसके रेट कांस्टेंट के रेशियोस में कन्वर्ट होता है। किसके रेशियो में कन्वर्ट होता है? हमेशा रेट कांस्टेंट के रेशियो में कन्वर्ट होता है। ठीक, जैसे मान लो 5 मोल ए खत्म, 5 मोल ए कंज्यूम हुआ, तो 5 मोल ए का कुछ पार्ट इधर जाएगा, कुछ पार्ट इधर जाएगा, तो इधर कितना जाएगा वो किस पर डिपेंड करेगा? के1 पर। इधर कितना जाएगा वो किस पर डिपेंड करेगा? के2 पर। मैथ्स में आपने रेशियो प्रोपोर्शन तो पढ़ी है, अब कुछ भी नहीं करना है, जितना ए गया उसको के1 * के2 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो बताओ बी के हिस्से में कितना आएगा? के1 अपॉन के1 प्लस के2। बताओ सी के हिस्से में कितना आएगा? के2 अपॉन के1 प्लस के2 आएगा। तो यहां से क्या होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला बनाते हैं हम, कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपके बहुत काम में आएगा। हम बोलते हैं परसेंटेज यील्ड ऑफ बी इन प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में बी कितना बना, तो देखो जितना भी बी बनेगा के2 अपॉन के1 ना, उसमें बी का परसेंटेज कितना होगा और सी का परसेंटेज कितना होगा। ठीक, तो अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको ये और क्लियर होगा। बट हाँ, फर्स्ट पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, एक टाइम टी पर एटी की कंसंट्रेशन क्या है आपकी ट्रिक, बहुत आसान है, ध्यान से देखना, जो जितने फॉर्मूले आपने बनाए वो सब आपको आ जाएंगे, अपने आप बना दिया करो कभी भी। ये रिएक्शन पैरेलल ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गोज टू बी एंड सी, इसका रेट कांस्टेंट के1, इसका रेट कांस्टेंट के2। ठीक है, टाइम टी इक्वल टू जीरो पर सपोज ये था ए, फिर आप इसे ए नॉट भी लिख सकते हो। ठीक, और किसी भी टाइम टी पर मान लो इसमें से एक्स चला गया तो ये कितना बचेगा? ए माइनस एक्स। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ए टी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। ठीक, तो बताओ ए का कितना पार्ट कन्वर्ट हुआ होगा बी और सी में? इतना था, इसमें से कितना चला गया? एक्स। एक्स कन्वर्ट होगा, फिर आप यहाँ से देख लो ए नॉट था, ए टी बचा है, तो कितना गया होगा? ए नॉट माइनस ए टी गया होगा। तो ये एक्स इज द मोल्स ऑफ ए कन्वर्टेड टू बी और सी, है ना। चलो तो सबसे पहले हम ए के लिए बात कर लेते हैं, ए के लिए तो आपको याद रखना होगा, वो इतनी बात है ही नहीं। नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताओ ए टी का फॉर्मूला क्या होता है? ए टी एटी होता है ए नॉट ई टू पावर माइनस के टी, बस यहाँ के की जगह क्या आ जाएगा? के वन प्लस के टू इन टू। ठीक, दूसरा इसके बाद एक वो के वाला मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर जैसे होता है वैसे कैसे यहाँ पर होगा, के वन प्लस के टू इक्वल टू क्या बनेगा? 2.303 अपॉन टी लॉग द बेस 10 ए नॉट अपॉन ए टी, तो चलता ही रहेगा ये फॉर्मूले, दो दिक्कत है। अब बी और सी की कंसेंट्रेशन मुझे निकालनी है, तो मैंने आपको क्या सिखाया कि भाई किसी भी टाइम पर जितना भी बी और सी बनेगा वो के वन और के टू के रेशियो में बनेगा। इसको आप ऐसे पढ़ो कि जितना भी ए बी और सी में कन्वर्ट होगा वो हमेशा के वन अपॉन के टू के रेशियो में कन्वर्ट होगा। तो बताओ यहाँ से कितना ए कन्वर्ट हुआ? एक्स। एक्स इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशियो में? K1 to K2 के रेशियो में। तो बी के हिस्से में कितना आएगा? वो आएगा K1 अपॉन K1 प्लस K2। राइट, जब आती होगी कि अगर मेरे पास पांच, मान लो मेरे पास 500 रुपीस हैं, इसको मुझे 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो बताओ इसके हिस्से में कितना आएगा? 2 अपॉन 2 प्लस 3 इनटू 5। इसके हिस्से में कितना आएगा? 3 अपॉन 2। तो वही चीज मैं कर रहा हूं, एक्स को मुझे K1 to K2 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो इसके हिस्से में कितना है? K1 अपॉन K1 प्लस K2 इनटू, बताओ सी के हिस्से में कितना आएगा? आ जाएगा K2 अपॉन